मेरे हिसाब से औरत जाति हर संघर्ष से उसको गुजरना पड़ता है। हर कोई भी महिला जैसे खाने पीने में और प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी के दौरान कितनी जांचें करवानी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, उसको क्या खाना चाहिए और कितना आराम उसको मिलना चाहिए। क्या बोलते हैं, बच्चा रहेगा काम करो तो जल्दी डिलीवरी होगी, डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे बड़ा महिलाओं के लिए स्वास्थ्य। जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो समाज करने मतलब लोगों की सेवा करने में हमको बहुत अच्छा लगता था। हमारे जरिए से अगर किसी की भलाई हो रही है तो हमको बहुत खुशी मिलती है। मेरे क्षेत्र में लगभग 220 घर हैं और इन 220 घरों में रोज़ाना 4 से 5 गृह भ्रमण मैं करती हूँ। और ये मातृ मृत्यु एकदम जब से रिमाइंड परियोजना आया है तब से मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु में इसी में काम कर रहे हैं। और उससे पहले तो सरकारी प्रोजेक्ट जो चल रहा आशा का तो उसमें तो करते ही थे लेकिन इतनी जानकारी नहीं थी। जब से रिमाइंड परियोजना चल रहा तब से बहुत जानकारी हो गई। ReMiND stands for Reducing Maternal and Newborn Deaths, and the project focuses on improving the quality of maternal and infant care that is given by the ASHAs. So the maternal and newborn health application under the ReMiND project is provided to the ASHAs as a multimedia job aid, which helps her to assess clients, register the clients, counsel them, and also from time to time identify the danger signs and refer them further health service. With the help of the MNH application that is now available on the mobile phone, there has been an improvement in the knowledge level of the ASHAs. So they are in a better position to counsel the women on these issues. नए जन्मे बच्चे को पहला दूध पिलाएं यह बच्चे के लिए एक पहला टीके की तरह होता है और बच्चे को बीमारियों से बचाता है। जब बार बार स्तनपान कराओ, बार बार दूध पिलाओ तो दूध तो निकलने लगे ना। लोगों को बताने के लिए एक मध्य एक जरिया होना चाहिए। जैसे कोई भी चीज़ बताया जा रहा है तो उनको अगर हम फिल्म दिखाएंगे, वीडियो द्वारा समझाएंगे तो वो ज़्यादा समझ पाएंगे। हम मुंह से बता रहे हैं तो कहेंगे अरे चलो, जब यही के खुद नहीं पता तो ये हमका का बताई। पहले जितना ज़्यादातर अगर 10% महिलाएं हैं गर्भवती तो 10 में 4 ही लगवाती थी टीका। अब तो 10 के 10 यूँ आती हैं अपने से टीका लगवाने। अगर उनको मालूम है कि आज टीकाकरण होगा तो ना भी बुलाने जाएंगे तो भी आ जाएंगे। पेट दबा दे थे हम अस्पताल ना जावे तो उनको हमें नहीं समझा पाते थे कि वहाँ ऐसे कुछ नहीं दिक्कत आती, वहाँ से जाने में तुम भी सुरक्षित रहोगे, तुम्हारा बच्चा भी सुरक्षित रहेगा, सुरक्षित प्रसव हो जाएगा, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। What you're finding out is within 2 years of programming, the recall of the danger signs during pregnancy and after delivery by the community women has improved. The frequency of home visits by the ASHAs during the antenatal care has doubled. And most importantly, the access to the antenatal care checkups has also gone up. So we are seeing that this program is making some tremendous impact on the lives of some of the most vulnerable women and their families in Uttar Pradesh. कहने का मतलब जैसे उनको हर चीज़ की जानकारी हो जाएगी, गांव के महिलाओं को आगे चल के सब चीज़ की जानकारी हो जाए। नहीं नहीं आशा भी थी, इतना जानकारी नहीं थी, अब तो सब कुछ बता लेती हूँ।